नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ब्लू बैंगर्स यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने द पार्टी एंड बैक एलिब्रॉल मिशन की थी। आज के वीडियो में मैं आगे के दो यानी ज्यूरी फ्यूरी और रियॉक मिशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी है, हम इस गाड़ी अच्छा गाड़ी से अच्छी वो गाड़ी लग रही है, हम उस गाड़ी में चलेंगे। में एल ब्लिप पर जाना है। यहाँ के लोग रास्ते के बीचों बीच कैसे घूम सकते हैं? बाद में ड्राइवर्स को ये बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट करते हैं। तो छोड़ो, हम लॉयर कॉफिस के पीछे आ चुके हैं। ये पतली गली लेनी है हमें, ये ले ली। ये रहा पिंग ब्लिप। पर इधर से उतरा क्या? एक इसका फोन आ गया। तो ये हम अंदर चले गए। ये मैं स्किप करता हूँ इनकी बातें। तो ज्यूरी फ्यूरी शुरू करते हैं। पर कैसे है यहाँ के लोग? एक तो एक्सीडेंट कर दिया वापस और उसे वैसे ही छोड़ के भाग गए। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, कितनी गंदी बात है। खैर चलो हम चलते हैं, हमें हथौड़ा मिल गया वैसे। सॉरी, अरे अरे कैसे चलाते हैं यहाँ के लोग गाड़ियाँ। कैसी गाड़ी है ये, हटो सामने से। हाँ अरे हमारा बोनट उड़ गया। हमें यहाँ से अंदर जाना है। ये देखो, ये मैं चला, ये रही वो गाड़ी, ज्यूटो की गाड़ी जिसे हमें फोड़ना है। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास हथौड़ा है और क्या है, एक बंदूक है। बंदूक से अच्छा हथौड़ा ही काम का है। ये ले, ये ले, तू भी ले। शुरुआत बोनट से करते हैं। वैसे शुरुआत तो हमने कर दी है। अरे क्या मारा बोनट पे, टूटी कांच। हाँ बोनट उड़ गया। सारे दरवाजे फोड़ने चाहिए हमें, इम्पार्शियलिटी क्यों करें। कितने मजबूत दरवाजे हैं ये, पता नहीं कौन से मेटल से बनाए हैं। वैसे तो डेंट आ रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहे। चलो डिक्की फोड़ते हैं, पता नहीं मालिक कब आएगा इसका। अरे डिक्की हमारे ऊपर गिर गई। फोड़ने को बचा ही क्या है ये। अरे कांच उड़ गई। चलो आखिरकार मालिक आ गया। तो अभी दूसरे येलो ब्लिप की तरफ चलते हैं। वैसे यहाँ की घास बहुत स्लिपरी है। ये रहा रास्ते पे मैं आ गया, मतलब गाड़ी के साथ।
येलो ब्लिप सामने ही है। वाह क्या ड्राइविंग स्किल है। ओ अरे मुझे लगा निकल जाएगी। खैर छोड़ो इसको। हाँ ये रहा अपना शिकार। ये ले। अरे तो भाग रहा है। पकड़ पकड़ो। हमें इसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें इसे उकसाना होगा। ये ले मैं तेरी कार फोड़ रहा हूँ। बाहर आ लड़ मुझसे। थोड़ा सामने। अरे तू अपनी कार को अलोन छोड़ और बाहर आ, फिर मैं भी तेरी कार को छोड़ दूंगा। बोनट रह गया, बोनट उड़ाता हूँ। क्या बात है, बोनट पे बाहर आ, कांच को उड़ा, मतलब कांच को तड़क गया, तड़का गया। लगता है वाइब्रेशन इतनी ज्यादा थी। कार छूट गई। हाँ अब बोनट को हो रहा है। बोनट भी उड़ गया। अरे अब तो बाहर आ जा। हाँ आ गया। वाह $400 मिल गए हमें। चलो अगली मिशन के लिए हमें दोबारा लॉयर के ऑफिस यानी एल पर जाना होगा। अरे रे ये रही पतली गली। एक कौन किसका फोन आ गया अब। Hey Tony, it's Sonny. How's the suntan? Ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, I mean, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. आज खत्म हो गया। चलो चलते हैं। ये रायट मिशन अब मैं करूँगा, इसे स्किप करता हूँ। इनकी बातचीत को ये मिशन करने के लिए हमें नए कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये गाड़ी तो बहुत ही ये हो चुकी है। वहाँ पर अच्छी गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी लेता हूँ। कपड़ों की दुकान में हथौड़े का क्या काम, बंदूक का भी क्या काम। हाँ आ गए। चलो ऐसी पुलिस है, आजू बाजू देख के रोड क्रॉस करना चाहिए, इतना भी इसको पता नहीं। यही आगे कहीं कपड़े। हाँ ये रही कपड़े की दुकान, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और ये पहले वक्त हमें सूट मिला और अब ये क्या दिन आ गए हैं। खैर छोड़ो। यहाँ से हमें टर्न लेना है।
गाड़ी पार्क की। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लगता है यहाँ के कामगारों ने स्ट्राइक कर दी है, यानी हमें यहाँ पे भी दंगे करवाने हैं। हमारे पास कोई वेपन है क्या? हथौड़ा, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले जगह का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये तीन टेम्पो उड़ाने हैं। अरे वाह, ये लाल ड्रम यहाँ पर है। मैं आपको बता दूँ कि इस लाल ड्रम में एक्सप्लोजिव्स होते हैं, यानी कि ये फट जाते हैं। तो अगर मैं उस लाल ड्रम को एक गोली मार दूँ तो वो फट जाएगा, और उससे वो बाजू के दो टेम्पो भी फट जाएंगे। लेकिन यहाँ का डिस्टेंस ज़रा बड़ा है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो अब इनके बीच में दंगे करवाते हैं। दंगे हो गए, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये ले, अरे हमारा काम हो गया यहाँ का। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। टेम्पो बैठ जाता हूँ। अरे निकाल दिया मुझे टेम्पो से। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए यार। अरे हट, ये ले। चलो इनको लड़ने दो, हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं। अरे दोबारा उतार दिया, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? लगता है पहले इनको खत्म करना होगा, बाद में ही सब मैं कुछ कर पाऊंगा। सिर्फ 7 गोलियां बची है। चलो छोड़ो इन, जब तक लड़ रहे हैं तब तक हम हमारा काम कर देते हैं। यहाँ ठोका, पीछे ठोका, सामने ठोका, पीछे ठोका, और एक बार सामने ठोका। गाड़ी को आग लग चुकी है, भागो यहाँ से। हमारा मिशन पास हो गया, कहीं ये लोग दोबारा मारने ना जाए। पहले यहाँ से दूर चलते हैं। यहाँ हम सेफ है। तो दोस्तों इसके साथ आज मैंने जो कहा था वो दो मिशन। अरे ये कौन फोन करते हैं? फोन उठा लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज़ बताऊंगा, तो आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। तो जब आप वाइस सिटी खेलते हो तब आपको कुछ एग्रेसिव ड्राइवर्स मिलते हैं जो आपके बाजू से कट मार कर या आपको ठोक के निकल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप सारे ड्राइवर्स को एग्रेसिव ड्राइव। अरे कितने फ़ोन आते हैं! हाँ तो मैं कह रहा था कि आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप सारे ड्राइवर्स को एग्रेसिव बना सकते हैं वाइस सिटी के। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एग्रेसिव बनने के बाद आप उनकी गाड़ियाँ नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो आपको ठोक के निकल जाएंगे, आपके बाजू से निकल जाएंगे। इसलिए इस चीट को दबाने के बाद गेम को लोड मत कीजिएगा, इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिएगा। तो चलिए, तो आपको ड्राइवर्स को एग्रेसिव बनाने के लिए अपने कीबोर्ड पे मायामी ट्रैफिक टाइप करना होगा, जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ।
MIAMITRAFFIC। ये मैंने टाइप कर दिया, चिट एक्टिवेट हो चुकी है। चलो देखते हैं कि चिट एक्टिवेट हुई है या सच में हुई है या नहीं। वो रही गाड़ियाँ, मैं उनके सामने अपनी गाड़ी ले जाके खड़ी करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये तो बाजू से निकल गए जैसे मैंने कहा था। अब पूरा रास्ता ब्लॉक करके खड़ा रहता हूँ, यानी ये चिट सच में काम करती है। तो देखा आप लोगों ने, तो ये था आज का सरप्राइज़। मैं ऐसे ही सरप्राइज़ आपके लिए हर वीडियो के एंड में लाता रहूँगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।